So, hi everyone, this is Nishat. So, hello guys, welcome to my channel. देखते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं देखते हो? कमी क्या है मुझ में? क्यों नहीं देखते हो? कैमरा सेट करते करते मैं पता नहीं किधर सेट हुई जा रही हूँ. हाँ चलो हो गया. रोशनी भी आ रही है. हाँ आ रही है रोशनी. Don't be wait for my dresses, buddy. Buddy नहीं. So hi everyone, this is Nisha. Today I'm gonna show you something very special. तो स्पेशल क्या होने वाला है वो आपको कुछ टाइम पहले ही पता चल जाएगा. जो मैं सरोजनी से इससे पहले होल बनाकर लाई थी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर उसको शेयर कर सकते हो और मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप वो भी वीडियो देख सकते हो धड़ाधड़. तो बेसिकली आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगी जो मैंने आज तक नहीं पहनी है अपने ओवरऑल से. आई मीन बहुत टाइम हो गया कि मैं कभी पार्टी नहीं करती, मैं चीज़ें नहीं करती, उसकी वजह से मेरे सारे कपड़े रखे रह जाते हैं, सालों तक मैं यूज़ ही नहीं कर पाती उनको. तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो के माध्यम से हम उन कपड़ों को पहनने के बाद दिखाते हैं. तो बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें ड्रेसेस सिलेक्ट की हुई हैं और आपको रेटिंग भी देनी है उनको. आई मीन 10 out of, वो आप समझ गए होंगे ना, समझ गए हो. तो यार ये गेट रुकता नहीं है मेरी तरह, मैं भी भागी जाती हूँ. तो भाई मैंने कुछ ड्रेसेस रखी हुई हैं. ड्रेसेस कहाँ गई? 12 seconds later. So there's some dresses, very cute, very amazing. तो इसकी डिटेलिंग मैं दूंगी, हर एक ड्रेस की डिटेलिंग दूंगी जहाँ से आप भी परचेज कर सकते हो विद द सेम ड्रेस. क्योंकि मैंने तो पहनी नहीं है तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि इस लड़की ने तो पहन रखी है, मैं पहनूंगी तो मेरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये ड्रेसेस मैंने सालों से नहीं पहनी है, मतलब मिनिमम एक साल हो चुका होगा इनको. मिनिमम इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको मैं मतलब प्रॉपर तरीके से श्योर नहीं हूँ. और कभी कभी मैं पहनी भी है तो शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बाहर नहीं पहनी. तो इसीलिए आप बेधड़ल्ले से उनको बाहर जाके पहन सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो अपने कपड़ों को और अपनी स्टाइल को. तो चलिए चलते हैं ड्रेसेस दिखाने के साथ साथ में. मैंने आज सुबह सुबह रूम भी साफ़ किया था तो मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ, लेकिन थकावट से कोई भी मैटर नहीं करता है. चलिए चलते हैं और चलते हैं अपनी फर्स्ट ड्रेस के साथ में. तो आइए देखते हैं हमार फर्स्ट ड्रेस का व्यू. देखते हैं, वेट कर रहे हो? हाँ. डोंट बी वेट फॉर माई ड्रेसेस, बड़ी बड़ी नहीं. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. यार मैं इन ड्रेसेस को पहन पाऊंगी या नहीं पहन पाऊंगी मुझे नहीं पता. इनके साथ एक्सेसरीज क्या पहनूंगी? जैसे लड़कियां तैयार होती हैं, मुझे आता है तैयार होना. 2000 years later. So this is my first dress. Look, this is too amazing. तो मैं इसको very quickly दिखाती हूँ with the view. लेकिन ये ड्रेस बहुत अमेजिंग है. तो इसको रेटिंग देना, आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे आप अपनी मर्जी से इसको रेटिंग दे सकते हो. और हाँ, अगर इसको परचेज करना है तो आप मुझे ही कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, तो मैं आपको परचेज करा दूँगी. होपफुली कि जहाँ से मैंने ली है मैं वहीं से आपके लिए ऑर्डर कर दूँगी. वैसे ये मैंने खुद की साइड से ही ली है, ये प्रमोशन नहीं है, खुद को प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने खुद की साइड से ली है. दैट्स व्हाई कि मैं आपको भी परचेस करा दूंगी. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड सेकंड ड्रेस की तरफ. तो चलिए चलते हैं.
तो गाइस लुक एट दिस अमेजिंग पिंक फ्लोरल ड्रेस यार, ये अमेजिंग लग रही थी, मुझे डॉल वाला फील दे रही थी, पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी। इसमें ग्रीन कलर के पैटर्न थे कुछ कुछ और वो बहुत लाइट लग रहे थे, लेकिन मैंने इसको बाहर जाके दिखाया तो बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। इसके साथ मैं पर्ल्स का कुछ भी ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आज ट्राई नहीं की क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं इसीलिए, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब कर रही थी। इसको मैं नॉर्मल पार्टीज में भी पहन सकती हूँ, तो आप मुझे रेटिंग देना कि इसमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी ड्रेसेज है। साथ में आप एक इंडिविजुअली भी ड्रेसिंग के लिए दे सकते हो अपना रेटिंग। और इसके बाद मैं जो ड्रेस ट्राई करने वाली हूँ, मेरी पर्सनल फेवरेट है और आज तक मैंने एक भी बार ट्राई नहीं किया है, तो दिस इज द ड्रेस। वाओ, लुक एट दिस अमेजिंग ड्रेस, मतलब सब पिंक येलो का जो फ्लावरिंग का पैटर्न है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये ना थोड़ा पुराने टाइम का वाइब देती है, जब पुराने वक्त में लोग पहनते थे गाउन्स लंबी लंबी, वैसी वाइब देती है। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग गाउन है, मतलब इसको मैक्सी ड्रेस बोल सकते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग है। इसके साथ में मेरा एक क्लैचर मैच कर गया था, इसीलिए मैंने एक क्लैचर लगा लिया जिससे मुझे ये भी पता चल सके मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं, जो बढ़ भी नहीं रहे हैं। और उसके साथ में ये मुझे पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे को ना इसका कट स्लीव थोड़ा प्रॉब्लम देता है, पर ठीक है, इसके अंदर एक कपड़ा है जिसकी मदद से मैं इसको थोड़ा सा पैटर्न लेस करवा सकती हूँ, मतलब इसके साथ में बाजू लगवा सकती हूँ। तो ये ड्रेस के भी लिंक है मेरे पास, तो आप मुझे बता देना भाई, मैं जिम कर रही हूँ कुछ टाइम से तो आप मेरी बॉडी देख सकते हो। और हाँ, इसको भी रेटिंग देना, दिस इज अमेजिंग ड्रेस। इसके बाद मैं जो सन्नी वाइब देने वाली ड्रेस है वो मैं पहन रही हूँ, उससे पहले भी मैंने एक बार उसको ट्राई किया है। तो इसके साथ मैंने एसेसरीज भी डाली है जो मेरे पास बिल्कुल मैचिंग की थी, और ये बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग है इसीलिए मैं थोड़ी शर्मा रही हूँ। और इसके साथ में मैंने बैग भी कैरी किया है, इसको वैसे तो मैं पहन नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ जैसे मैं कहीं जा रही हूँ। तो वैसे अभी तक मेरी हिम्मत हुई नहीं है कि इसको ट्राई कर लूँ, कैमरे के सामने कमरे के अंदर ही ट्राई किया है मैंने इसको, और हाँ इतना रिवीलिंग लग नहीं रहा था, इसीलिए मैं इसके साथ में एक दो फिल्टर भी यूज़ करूँगी। और ये बैग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके साथ, इसीलिए मैंने इसको ट्राई किया है। तो इसको भी आप रेटिंग दे सकते हो, मतलब 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे तो आप इसको रेटिंग दे सकते हो। और मेरे मुँह पर मत जाना क्योंकि मेरा मुँह है ही ऐसा, मतलब मैं कुछ भी पहन लूँ इसका सड़ा सा इम्पैक्ट मेरे मुंह पर पड़ता ही पड़ता है। जैसा कि बहुत सारी बटरफ्लाइज मैंने अपनी बोर्ड पर लगा रखी है, वैसी बटरफ्लाई फाइव में आज दे रही थी, मतलब लिटरली यार अमेजिंग लग रही थी, मुझे खुद पे ही अच्छा लग रहा था और मैंने खुद को ही टीका लगा लिया। और आज तुम भी सुंदर लगते हो। तो कमेंट वगैरह तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको सारी ड्रेसेस की रेटिंग देनी है जिससे मुझे खुशी मिले अंदर से और मैं इसी तरह की वीडियो ला पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तभी आप मुझे बताना कि आगे ऐसी वीडियो मैं लाऊं या नहीं लाऊं, वरना झबरझंडुओं की तरह मैं बनाती रहूंगी, आप देखोगे नहीं और चीज़ों का वेस्टेज होगा यार, वेस्टेज होगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं ऐसी वीडियो तभी बनाऊंगी जब चीज़ें होंगी, आपकी तरफ से होंगी। तो देखना ना भूलें निशा त्यागी के व्लॉग सारे के सारे, देख डालो, आपका ये टास्क होना चाहिए, पर है नहीं, पर मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं और आपको भी करती हूं मजबूर यार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें देखोगे जो मैंने सोच रखी है। मैं एक ऐसी जगह जाने वाली हूँ होपफुली जो कि बहुत पुरानी है, प्राचीन है, और प्राचीन चीज़ें होपफुली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको भी पता है कि मुझे प्राचीन चीज़ें कितनी पसंद हैं। तो चारों ड्रेसों को दे दो लाइक, दे दो कमेंट और दे दो रेटिंग। यार मेरे लिए लाइफ में रेटिंग देने वाला कोई नहीं है आपके अलावा, तो आप ही हो मेरी ज़िंदगी में रेटिंग के मामले में। तो यार रेटिंग दे दो, 10 में से कोई भी रेटिंग हो मुझे चलेगी यार, एक भी दोगे ना तभी मुझे चलेगी, आपका वो भी प्यार है। मुझे हेटर्स के लिए भी मोहब्बत है भाई, मैं अलग लेवल की जानवर हूँ यार। तो दूसरी चीज़ एक और है जो मैं सारी ड्रेसेस जहाँ से लेकर आई हूँ वो होपफुली मेरे ही कनेक्शन से है, इसीलिए अगर आपको चाहिए वो ड्रेस हो में से कोई भी ड्रेस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे हैंडल्स को लिंक किया हुआ है एक दूसरे से, प्यार मोहब्बत वाली एक दूसरे से ही लिंक किया हुआ है, जिससे कि आपको सारे हैंडल्स ईजिली मिल सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने सारे हैंडल्स को लिंक किया हुआ है विद इंस्टाग्राम विद ऑल काइंड्स ऑफ, कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ और बहुत एक्टिव भी हूँ, दैट्स वाई कि मैंने सब कुछ लिंक किया हुआ है। तो चाहिए और देखिए और इन्जॉय कीजिए और इंटरटेन होइए। इंटरटेन क्यों होंगे, चलिए कोई बात नहीं, जो भी होइए हो जाइए बस। चलिए बाय बाय, आज तक के लिए बस इतना ही, और इतने में खुश हो लो भाई, मूवी थोड़े ना है, और स्त्री 2 भी देख लेना, मैंने तो देखी नहीं अभी तक, बस
देखी नहीं मैंने, बस ऐसे ही, कोई रीज़न नहीं था इस स्त्री ना देखने का। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं देखते हो? कमी क्या है मुझ में? क्यों नहीं देखते हो? कैमरा सेट करते करते मैं पता नहीं किधर सेट हुई जा रही हूँ। हाँ चलो हो गया। रोशनी भी आ रही है। हाँ आ रही है रोशनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड, हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।